आर सोनी न्यूज़ खबर आप। मेरठ से हथियार लाकर दिल्ली में बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले एक हथियार तस्कर को निजामुद्दीन पुलिस ने बस टर्मिनल के पास से धर दबोचा। उसके पास से एक पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कासिफ उर्फ निसार के रूप में हुई है। डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि 21 जनवरी को सुंदर भाटी गैंग के एक सदस्य सागर उर्फ दीपक को बारापुला फ्लाईओवर के पास से एक किन्नर को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ पर उसने खुलासा किया था कि उसने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल मेरठ निवासी कासिफ से खरीदा था। सागर के खुलासे के बाद एसीपी विजेंद्र सिंह के देखरेख व इंस्पेक्टर सतेंद्र मोहन के नेतृत्व में एसआई नरसी प्रसाद, एसआई गोपाल प्रसाद, विकास सोलंकी, जय कुमार, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह और कांस्टेबल हंस राम की टीम बनाई गई थी। अपने सहयोगी संजीव सिंह के साथ हरिकिशोर साह की रिपोर्ट, आर सोनी न्यूज दिल्ली।